हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत ये हमारा पहला वीडियो है। यहाँ पर इस वीडियो को हम या यूँ कहें शुरुआत से जो बीएससी पार्ट सेकंड है उसको पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर। तो शुरुआत की जब बात आती है तो उसमें हर चीज़ को देखा जाता है। जैसे बात की जाए कि सबसे पहले कि हमारा जो हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बुक्स होंगी हमारी, जो हमारा सिलेबस जो होगा, या बात की जाए कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा, तो हर चीज़ को देखा जाता है शुरुआत की जब बात होती है यहाँ पर। तो हमारी भी शुरुआत ही आज यहाँ पर, तो इस शुरुआत के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बुक्स के बारे में कि हमारी जो बुक्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी यहाँ पर, और बुक्स के अकॉर्डिंग ही फिर बुक्स के बाद ही हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ हमें सबसे पहले पढ़नी है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेपर्स की यहाँ पर। तो जैसे लास्ट ईयर आपके 3 पेपर थे, उसी प्रकार से इस वर्ष भी आपके मैथमेटिक्स के अंतर्गत 3 ही पेपर होंगे, ठीक है। पहला जो पेपर होगा, हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पेपर की, सेकेंड पेपर की और थर्ड पेपर की यहाँ पर। तो फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा हमारा रियल एनालिसिस, ठीक है, वास्तविक विश्लेषण। इस वाले पेपर के अंतर्गत हम वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उनमें बीजगणितीय जो गुणधर्म है, यानी जोड़ना, गुणा करना, बाकी करना, भाग देना, इन सबके अलावा भी कुछ विशेष जो प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनको हम इस वाले जो बुक है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर बिल्कुल विस्तृत रूप से हम पढ़ने वाले हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, जो कि आप सभी जानते हो वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो उन सभी के बारे में जितनी जानकारी पॉसिबल है, उन संख्याओं से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें संभव हो सकती हैं, उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है या उनका नेचर कैसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस बुक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड जो आपका पेपर है वो है आपका कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है यहां पर। एक तो होती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है हमारी दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो एक पेपर हमारा जो सेकंड नंबर का जो पेपर है वो होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यहाँ पर। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस डिपेंड करती है फंक्शन के ऊपर कि आपका फंक्शन किस तरीके का है, तो जैसा फंक्शन है उसी के बेसिस पे हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेस पे ही हमारे पास दो बुक है। एक बुक तो आपकी कौन सी है, जिसको कह दो चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन या कह दो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों का मीन इतना ही है, सेम बिल्कुल। दूसरे नंबर की बुक है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत हमारी दो किताबें यहाँ पर, एक तो साधारण अवकल समीकरण, एक आंशिक अवकल समीकरण। ये हमारी कौन सी है, साधारण अवकल समीकरण, और ये हमारी है आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। तो इस तरीके से हमारे दो बुकें इसके अंतर्गत है। अब बात आती है थर्ड वाले की। थर्ड वाला जो पेपर है वो है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये होगा हमारा संख्यात्मक विश्लेषण के लिए, संख्यात्मक विश्लेषण। तो इस तरीके से हमारे 3 पेपर हैं, तीनों जो पेपर हैं उनके नाम मैंने बता दिए यहाँ पर। रियल जो एनालिसिस है इसके साथ एक बुक और है आपकी, वो है मैट्रिक स्पेस, ठीक है, दूरिक समष्टि। एक बुक इसके साथ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बुकों का विवरण कुछ इस तरीके का है कि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत आपकी दो बुकें हैं, रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, ठीक है। एक आपकी यूनिट इसके अंतर्गत आती है और 4 यूनिट इसके अंतर्गत आती है आपके यहाँ पर। तो ये आपकी कौन सी होगी, पहला वाला पेपर हो गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये तो कोरोना की वजह से जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, अदरवाइज उनको 5 यूनिट पढ़नी होती है,
लेकिन प्रेजेंट में हम जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 3 यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद यदि आगे उसको ओवर एक्सपेंड किया जाता है तो बाकी की दोनों यूनिट भी वहाँ पर फिर कवर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारी जो सेकंड वाली जो बुक है वो आप मैंने आपको बताया कि वो कौन सी है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों के आधार पर ये 2 बुकें हैं आपकी, साधारण अवकल समीकरण या केवल अवकल समीकरण, और एक आपकी आंशिक अवकल समीकरण। थर्ड वाला जो पेपर है वो है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। पेपर नंबर जो थर्ड है वो आपका कौन सा है, संख्यात्मक विश्लेषण। तो इस तरीके से आपके जो तीनों पेपर हैं वो तथा उनसे संबंधित जो बुकें हैं उनका विवरण कुछ इस तरीके से है। अब हमें जो पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम है वो ऑनलाइन वे का है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यदि इन चीज़ों को सबसे पहले पढ़ें यहाँ पर तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि जो चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं वो सब चीज़ें वीडियो के माध्यम से इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ पाती। तो फिलहाल तो हम जो कैलकुलेशन वाला पेपर है इसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं और इसको सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये समझने में कैलकुलेशन का पेपर है, आप एक बार समझ जाओगे, बस आपको क्वेश्चंस करने होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जो हमारा सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन इसको पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड वाले पेपर की। सेकंड वाले पेपर में आपकी 2 बुकें हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण है इसको आप 2 प्रकार से पढ़ सकते हो, ठीक है, कि एक तो आप इसको ये पढ़ो कि अवकल और एक क्या होती है समीकरण। तो समीकरण का मतलब तो सभी जानते हैं कि वेरिएबल्स के मध्य में इनको रिलेशन दिया गया हो, किसके साथ, बराबर के चिन्ह के साथ, यदि चरों के मध्य कोई संबंध दिया गया हो तो उस कंडीशन में वह जो संबंध है उसमें यदि जो हमारा बराबर का यदि चिन्ह भी यदि वहाँ पर उपस्थित है तो उस परिस्थिति में वो क्या कहलाता है, हमारा एक समीकरण कहलाता है, जो कि वेरिएबल्स के मध्य होता है यहाँ पर। अब हमारे उसमें एक क्या ऐड हो गई नई चीज, उसमें अवकलन और ऐड हो गया कि समीकरण तो है लेकिन वो जो समीकरण है वो किनके मध्य वहाँ पर, कि वो अवकलन गुणांकों के मध्य एक संबंध है। अब जो अवकलन गुणांक होते हैं वो भी वास्तव में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ किसी भी फंक्शन का कोई ना कोई परिणाम होता है। अब वो असेंडिंग परिणाम हो या डिसेंडिंग परिणाम हो, वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती है हमारे फंक्शंस के ऊपर वहाँ पर। तो हमारे जो अवकलन होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके के परिणाम ही होते हैं, यानी कुछ ना कुछ वो भी वैल्यू ही होती है यहाँ पर। तो यदि हमारे किसी समीकरण में यदि अवकलन गुणांक भी यदि उपस्थित हो, या यूँ कहें कि जो समीकरण है वह वेरिएबल्स के साथ साथ अवकलन गुणांकों के मध्य भी एक संबंध स्थापित कर रहा हो और उसमें भी बराबर का चिन्ह यदि वहाँ पर विद्यमान हो तो उस कंडीशन में बनने वाली जो समीकरण होगी वो कौन सी होगी, अवकल समीकरण होगी, ठीक है। अब ये तो हमने साधारण पढ़ लिया कि अवकल समीकरण में अवकलन गुणांक उपस्थित होंगे और वो एक समीकरण जैसा गुण रखती होगी। समीकरण में कौन सा गुण होता है कि उसमें बराबर का चिन्ह होता है, वह वेरिएबल्स के मध्य एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, जो कि हर स्थिति के लिए क्या होता है, वेरीफाई किया गया होता है। जैसे कि आप बात करते हो इस तरीके से कि x²-4=0, ये क्या है कि वेरिएबल x तथा कॉन्स्टेंट जो आपके पास 4 है इनके मध्य एक रिलेशन है कि x की वो सारी वैल्यूज जो कि इस रिलेशन को सोल्व करती हैं वो हमारे समीकरण के क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। तो है वास्तव में भी क्या एक समीकरण है, क्योंकि ये वेरिएबल्स के मध्य क्या है, रिलेशन है, कि ये उन वेरिएबल्स को इंडिकेट करती है जो कि इस परिणाम को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भी अवकल समीकरण में जो अवकलन गुणांक होंगे वो उस इक्वेशंस को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, या उन वैल्यूज के लिए वो क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो ये तो समीकरण जैसे सारे गुण रखती है यहाँ पर अवकल समीकरण। अब हमने तो इसको सिर्फ ये बात की है कि अवकल समीकरण हमारी एक साधारण रूप में इस तरीके की होती है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जो अवकलन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं साधारण अवकलन और एक होते हैं आंशिक अवकलन। तो उन्हीं के बेस पे हमारी जो अवकल समीकरण है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कि हम 2 प्रकार के अवकल समीकरणों की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, एक तो कौन सी साधारण अवकल समीकरण वाली और एक कौन सी आंशिक अवकलन समीकरण वाली। तो हम यहाँ पर 2 प्रकार के अवकल समीकरणों की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है अवकल समीकरण की डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा जैसे मैंने आपको बताया कि उसी प्रकार से है यहाँ पर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर,
स्वतंत्र चर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा उनके अवकलन गुणांकों, तथा उनके अवकलन गुणांकों, जो भी हमने आश्रित या जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल यूज में लिए हैं उनके मध्य जो उनके अवकलन गुणांक भी होंगे, तथा उनके अवकलन गुणांकों के मध्य समीकरण संबंध के मध्य समीकरण संबंध अवकल समीकरण कहलाती है। उनके मध्य रिलेशन तो हो लेकिन कैसा हो, समीकरण जैसा रिलेशन हो वहां पर, कि जैसे समीकरणों में होते हैं बराबर के चिन्ह के सही, तो वहां पर जो होता है हमारा उस तरीके का यदि हमारे पास कोई संबंध हो समीकरण वाला, तो वह जो संबंध है वह हमारा क्या कहलाता है, एक अवकल समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या क्या उपस्थित होंगे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और क्या होंगे, अवकलन गुणांक भी होंगे। जब तक ये गुणांक वहां पर नहीं होंगे, यानी अवकलन चाहे किसी भी प्रकार का हो, अब वो आंशिक हो चाहे वो आप बात करें उसको पूर्ण अवकलन हो, चाहे हमारा वो साधारण किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अवकलन गुणांक वहां पर उस समीकरण में कहीं ना कहीं होना चाहिए। यदि अवकलन गुणांक उपस्थित नहीं है तो वो अवकलन समीकरण भी नहीं है। तो वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि अवकलन गुणांक के ऊपर निर्भर करता है, कि यदि समीकरण में अवकलन गुणांक होगा तो वह क्या होगी, अवकलन समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इसके बेसिस पे हमारी दो चीज निकल कर आती है। पहली, यदि अवकलन गुणांक साधारण आप क्या कह सकते हो, पूर्ण भी कह सकते हो, साधारण या पूर्ण है, तो समीकरण कि यदि हम जिस अवकलन गुणांक की बात कर रहे हैं वो हो क्या हो, साधारण साधारण हो, तो उस कंडीशन में तो कहेंगे है तो समीकरण साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो अवकलन गुणांकों के ऊपर डिपेंड करती है, कि यदि हमारे अवकल समीकरण में जो अवकलन गुणांक जो हमने यूज में लिए हैं वो यदि साधारण हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण अवकल समीकरण। दूसरी बात क्या आती है, कि यदि अवकलन समीकरण में अवकलन गुणांक आंशिक हो, आंशिक अवकलन गुणांक हो तो समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगी, आंशिक अवकलन समीकरण कहलाएगी। तो हमारे पास सिर्फ अवकलन गुणांकों का फर्क होता है हर प्रकार के समीकरण में, चाहे वो साधारण हो गया, यदि साधारण अवकलन गुणांक वहां पर विद्यमान होंगे समीकरण में तो साधारण कहलाएगी, अन्यथा यदि आंशिक होंगे तो वो क्या कहलाएगी, आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो हम जो इस बुक को पढ़ने वाली हैं, हम जिस पहली बुक को पढ़ने वाले हैं वो हमारी कौन सी है, साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन समीकरणों के कुछ छोटे छोटे से कुछ डेफिनेशन से इनके कुछ स्टेप्स हैं उनके बारे में हम कुछ जानकारी कर लेते हैं। एक तो आता है चाहे कैसे भी समीकरण हो उसके बारे में, एक तो आता है कोटी वर्ड और एक आता है घात, या कहें कि ऑर्डर, ऑर्डर को तो क्या बोलेंगे, कोटी, और एक आता है पावर घात। ठीक है, तो दो प्रकार के वर्ड हमारे और हैं, इनको और हमें समझना होगा डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उनके बारे में यहाँ पर या उनके लिए। तो एक तो कौन सा होगा, कोटी, कोटी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर, और एक क्या बोलेंगे, घात, जिसको क्या बोलेंगे, पावर। तो ये दो छोटे छोटे से वर्ड और हैं, इनको और समझ लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी जो हमारे पास संख्या है वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटी कहलाएगी और कौन सी संख्या डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर कहलाएगी यहाँ पर। तो बात आती है कोटी की।
कोटि का मतलब होता है कि हमारी जो अवकल समीकरण है उसमें मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक समझ रहे हो आप इस बात को कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो तो आपको देखने पर पता चलेगा। जैसे हम बात करें कि हमारे पास ये एक समीकरण है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेवन एक्स सेवन वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, एक समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, इस समीकरण के बारे में हमें बताना है कि यह समीकरण कितनी ऑर्डर की है तथा कितने पावर की है, यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर तो सबसे पहले बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या वर्ड यूज में लिया कि समीकरण में मैक्सिमम कितने टाइम डेरिव जो हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है वहां पर, ये चीज हमें वहां पर देखनी है। तो यहां पर आप देखो समीकरण में यहां पर तो कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, यहां पर कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, यहां पर एक भी बार नहीं हो रहा है यहां पर। तो हमारा तो कंसेप्ट क्या होगा कि मैक्सिमम कितने टाइम वहां पर हो रहा है, तो मैक्सिमम कितने टाइम हो रहा है, टू टाइम। तो क्या नाम लेंगे कि ये जो समीकरण है वह कितने ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करें पावर, पावर का मतलब आप घात समझते हो सभी, यहां पर ऑर्डर में तथा पावर में अंतर होता है बहुत ज्यादा। यहां पर घात जो होगी वो क्या होगी कि उच्चतम अवकलज की जो पावर लगी है, उसको यदि मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं तो मैं उसके ऊपर कौन सी राशि वहां पर लिख सकता हूं, तो आप भी जानते हो कि इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं तो मैं दो तो नहीं लिख सकता यहां पर। क्यों लिखूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब कुछ भी नहीं होता है तो उसका मतलब कितना होता है, वन होता है यहां पर। तो मैक्सिमम टाइम जितना वहां पर, यानी सबसे अधिकतम जो अवकलज गुणांक होगा उसकी जितनी जो पावर लगी होगी वही हमारी अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो घात के बारे में तो आप पहले से जानते हो कि जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर जो लगा हुआ जो अंक है जो उसको डिफाइन करता है कि कितनी टाइम ये यहाँ पर गुणा हो रहा है इसका इसी खुद के साथ, तो वह उसकी क्या होती है, घात होती है। तो हमारे पास तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक बार था यहाँ पर, तो इसकी पावर कितनी है, एक। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ये ऑर्डर तो इसका कितना है, वन, और पावर इसको ऑर्डर तो है टू और पावर कितनी है इसकी, वन। तो इस तरीके से हम प्रत्येक जो अवकल समीकरण है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उसकी ऑर्डर कितनी है और उसकी पावर कितनी है यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे जब एग्जाम में यदि आधा या एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है हमारा कि आपको दो क्वेश्चन इस तरीके के दे दिए, दो इक्वेशन लिख दी उनके बारे में बताना आपको कि इनकी जो पावर या जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी आपको बताना है वहां पर, तो उसके लिए आपको सीधी सीधी नहीं देगा समीकरण वहां पर। वहां पर आपको कुछ इंटीग्रेशन का सिंबल यूज में लेते हुए या कुछ आपको रेशनल जो पावर्स हैं उनके रूप में उसको मॉडिफाई करके आपको थोड़ा देगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाओ डायरेक्ट देखकर कि वास्तव में कितनी ऑर्डर का है तथा कितनी पावर का है यहाँ पर। तो हमारा काम होगा सबसे पहले उसे सरल समीकरण में परिवर्तित करना, क्योंकि सरल समीकरण के गुण क्या होते हैं कि उनमें एक ही जाति के सारे पद होते हैं। सरल समीकरणों में क्या होता है कि उसमें एक ही जाति के सारे पद होते हैं वहां पर। तो हमारी जो समीकरण होगी उसको हम पूर्णतः व्यवस्थित करेंगे कि इसमें कोई समाकलन के साथ साथ वो अवकलन के साथ साथ कोई समाकलन जैसा पद तो नहीं, तो यदि ऐसा होगा तो हम उसे एक जातीय बनाएंगे। एक जातीय का मतलब कि उस समाकलन को हटाएंगे, हटाने की प्रोसेस जानते हो कि समाकलन को हटाना होता है, अवकलन कर दो, तो पूरी समीकरण का अवकलन कर दो, फिर उसको चेक करो, फिर देखो मैक्सिमम टाइम कितना है यहाँ पर डेरिवेशन हो रहा है या बात करें डिफरेंशिएशन हो रहा है वहां पर, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। और यदि किसी स्टेप की पावर यदि परिमेय संख्याएं लगी हैं तो उसको आप सोल्व करोगे किसी भी वे से और फिर उसकी पावर को आप कंप्लीटली पूर्ण संख्या में बनाकर फिर बताओगे कि इसकी पावर कितनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे क्वेश्चनों में वहां पर होगी। तो कोटि तथा घात का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पर, तो हमें जनरली जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे की हो गए यहाँ पर। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप हैं जहाँ से आपको पता लगाना है कि इसकी ऑर्डर कितनी होगी और पावर कितनी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो और पावर कितनी, इसके होल पावर कितनी लगी है, थ्री बाई टू लगा हुआ है, और इधर को देखा तो इधर को कितना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि इसकी ऑर्डर तो कितनी होगी और पावर कितनी होगी यहाँ पर, इसके बारे में बताना है मैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात को यहाँ पर कि हमें ये जो समीकरण मिला है हमें इसकी ऑर्डर बतानी है और क्या बतानी है, पावर बतानी है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा था आपसे यहाँ पर कि पहले आप इसे पूर्ण बीजीय बनाओ यहाँ पर, यह पूर्णतः इसको व्यवस्थित करो यहाँ पर,
तो व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारे पास 3/2 है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी पावर को इसको हटाया, यहाँ पर 3/2 को यहाँ पर हटाया, तो 3/2 में से 2 हटना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी तक इसकी जो पावर जो लगी हुई है पूर्णतः व्यवस्थित नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों को क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ से तो देखो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा कि डी वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने का मतलब जानते हो कि इसकी पावर 1/2 करना है, यहाँ पर 3/2 के साथ साथ क्या करना है, 2 करना। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो कितना आ जाएगा, 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ पर, और यहाँ से देखा तो इधर को भी क्या आ जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा कि d2y / dx² अब देखो आप यहाँ पर कि इसकी पावर तो कितनी आई और इसकी जो ऑर्डर है वो कितनी आई। तो हमारे ऑर्डर का जो रूल होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमम कितने टाइम वहां पर जो डिफरेंशिएशन है वो हो रहा है यहाँ पर, तो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, हमने देखा कि यहाँ पर जो अधिकतम अवकलन गुणांक है वो कौन सा है, ये वाला है, और कितनी बार हो रहा है इसका अवकलन, अधिकतम 2 बार हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब यहाँ पर नहीं देखोगे आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो इससे कम हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारे कोई काम का नहीं यहाँ पर। फिर हमें क्या देखनी होती है, पावर देखनी होती है। तो पावर के बारे में भी क्या बताएंगे यहाँ पर कि जो उच्चतम अवकलज गुणांक है, उच्चतम अवकलज का मतलब जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है, उसकी घात देखो आप जाकर, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने इसको पूर्णतः व्यवस्थित भी कर लिया था, क्योंकि यहां से 3/2 हट गया था, 2 कैंसिल होने पर हमें 3 मिल गया था इधर, तो अब पूर्णतः व्यवस्थित है। तो उसके बाद देखा कि राइट हैंड साइड में उच्चतम अवकलज विद्यमान है और इसकी घात कितनी लगी हुई है, 2, तो वास्तव में इसकी घात कितनी थी, 2। तो यहां से इसको डायरेक्ट यदि आप कर दोगे कि उच्चतम अवकलज ये बैठा है यहाँ पर, तो इसकी ऑर्डर तो 2 है, ये तो आपका सही आ जाएगा, लेकिन घात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पूर्णतः व्यवस्थित अभी तक नहीं बनाया था। तो पहले आप दी गई समीकरण को पूर्णतः व्यवस्थित बनाओगे और उसके बाद फिर आप जांच करोगे वहां पर कि इसकी घात कितनी है और कोटि कितनी है। तो ये दोनों वर्ड आई होप आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे कि हमने जो कोटि तथा जो घात का जो कंसेप्ट लिया है वो यहाँ पर, ठीक है। तो एक से एक दो क्वेश्चन हम रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है d2y / dx² + dy/dx³ (3 = sin x), इस तरीके की हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, वो है हमारे पास d2y / dx² फिर है (+5 dy/dx + y) ((y dx) = x³। इस तरीके का हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमें इसके बारे में भी क्या बताना है, इसकी ऑर्डर तथा जिसकी जो पावर है वो दोनों हमें बतानी है, ऑर्डर तथा पावर, ऑर्डर एंड पावर, दोनों चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो बात आती है ऑर्डर की, तो ऑर्डर को समझोगे आप कि हमें तो क्या देखना है कि पहले तो ये देखना है कि हमारी समीकरण पूर्णतः व्यवस्थित है नहीं है, नहीं है तो पूर्णतः व्यवस्थित होने के लिए पहले ये जांच करो कहीं कोई ऐसी घात तो नहीं लगी है जो परिमेय हो या रूट रूट के अंतर्गत हो, क्यों उसको सोल्व करना होगा आपको पहले वहां पर। तो हमारे पास एक भी पद ऐसा नहीं है, तो यहाँ तक तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी समीकरण में कहीं कहीं पे समाकलन हो रहे हो वहां पर, तो वो चीज भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो दोनों चीजें हमारी पूरी हो रही है यहाँ पर। फिर ऐसा नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितने टाइम इस समीकरण का डेरिव जो डिफरेंशिएशन है वो हो रहा है यहाँ पर। तो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, 2 टाइम, क्योंकि यही तो है उच्चतम अवकलन, ये तो इससे छोटा है क्योंकि यहाँ तो एक बार अवकलन हो रहा है, इससे ज्यादा तो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, और इससे ज्यादा भी कहीं और पर होता तो हम उसको देखते हैं वहां पर, ठीक है। तो कितने टाइम हो रहा है मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन, 2 टाइम। तो हम क्या लिख दिया कि उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। पावर की बात आएगी तो पावर हमने देखा यहाँ पर कि हमारा जो उच्चतम अवकलज है वो तो ये है, यहाँ पर चाहे 3 हो ये हमारे कोई काम की नहीं है, हमारा तो जो उच्चतम अवकलज होगा उसके ऊपर जितनी पावर लगी होगी वो हमारे समीकरण के लिए काम की है।
तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो कितनी होगी, 1। तो इस वाली समीकरण में जो ऑर्डर था वो कितना था, 2 था, और जो पावर थी वो कितनी थी, 1 थी। अब इस वाली समीकरण को देखो यहाँ पर, तो समीकरण के लिए देखो कहीं इसमें कोई रूट रूट तो नहीं लगा, तो रूट तो कहीं नहीं लगा, हमें भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर रूट कहीं नहीं लगा। उसके बाद देखो कोई समाकलन लगा हो तो हमारे पास एक समाकलन विद्यमान है यहाँ पर, जो कि x के सापेक्ष यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। तो वास्तव में ये पूर्णतः बीजीय नहीं है, क्योंकि समाकलन एक अलग फंक्शन होता है और जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक अलग फंक्शन होता है। तो दोनों अलग अलग जाति के हो गए यहाँ पर, तो क्यों ना इसको सिमिलर बनाया जाए यहाँ पर। तो सिमिलर बनाने की प्रोसेस आप जानते हो कि इंटीग्रेशन को हटाना हो तो डिफरेंशिएशन कर दो, और डिफरेंशिएशन को हटाना हो तो इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो हम इस समीकरण का एक बार अवकलन करेंगे ताकि ये जो समाकलन है वो यहाँ से हट जाए। तो इस समीकरण का हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे वन टाइम। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखो जो सेकंड ऑर्डर का था अब वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर में। ये चीज तो सभी जानते हो कि इसका अवकलन दो बार पहले से हो रहा था, एक बार इस समीकरण का और करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5d2y/dx2। यहाँ पर समाकलन है, समाकलन का अवकलन करने पर क्या हो जाता है, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, वाई। इधर को भी करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3x2। तो हमारी समीकरण का एक बार अवकलन करने पर हमें ये रिजल्ट प्राप्त होता है। अब इस रिजल्ट के बारे में देखो, क्या अब ये पूर्णतः बीजीय हो गया है यहाँ पर, तो पूर्णतः बीजीय है यहाँ पर, क्योंकि कहीं पर भी समाकलन उपस्थित नहीं है, कहीं पर भी रूट वाली जो पावर्स है वो अवेलेबल नहीं है, अंडर रूट वगैरह भी नहीं है बिल्कुल यहाँ पर, ना कोई क्यूबिक रूट है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। तो अब देखो मैक्सिमम कितने टाइम यहाँ पर डेरिवेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेशन हो रहा है, 3 टाइम। तो हम इसके ऑर्डर कितनी लिखेंगे, 3। बात आएगी पावर की, तो यहाँ पर मैक्सिमम वाले की ही पावर हमें देखनी है तो कितनी है, 1। तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो घात एवं जो कोटि का जो छोटे छोटे जो पॉइंट है इनको हमें समझना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप इनको जो बचे हुए जो क्वेश्चन है बुक के अंतर्गत इनको एक बार आप घर से अभ्यास कीजिए और फिर देखिए कहीं पर आप इसको कोई समस्या तो नहीं आती है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको पावर्स और आपको ऑर्डर बतानी है यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में। तो एक बार घर से आप प्रयास कीजिए, मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ जिनका आप अभ्यास स्वयं करोगे। तो लिखिए निम्न प्रश्नों की घात एवं कोटि ज्ञात कीजिए। निम्न अवकल समीकरणों की घात एवं कोटि ज्ञात कीजिए। निम्न अवकल समीकरणों की घात एवं कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली हमारी जो समीकरण होगी वो कुछ इस तरीके से है कि d2y/dx2+5dy/dx फिर है यहाँ बराबर है आपका, प्लस नहीं है यहाँ पर, बराबर है इंटीग्रेशन x2dx। ये आपकी समीकरण है क्या। दूसरी समीकरण है हमारी y+x dy/dx2+4/3(x)d2y/dx2। तो ये आपकी सेकंड क्वेश्चन हो गया। सी नंबर का हमारा तीसरा क्वेश्चन है f(x,y)dny/dx)n(f)2। ये फंक्शन f1 है ना, ये फंक्शन f2 है। x,y यहाँ पर है dn-1y/dx(n-1)। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 था, ये 2 था, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, fn। और यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलेगा, y=0। एक हमारे पास ये समीकरण, ठीक है, जहाँ पर समझ रहे हो ना आप, f1 f2 f3, इस तरीके से इसकी पावर n थी, फिर n-1 n-2 करते कहाँ पर आ गई, उसकी पावर एक भी ऑर्डर का हमें क्या नहीं मिला, डिफरेंशियल ऑपरेटर आगे नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर का क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं,
एक हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी है, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स थ्री अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो आप एक बार बुक को देखना और उससे सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बार इन क्वेश्चन में भी हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको सीधा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर तथा क्या बतानी होती है, पावर हमें बतानी होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा अभ्यास करना, एक बार इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक नए वीडियो में हम एक नए पॉइंट के साथ फिर से हम स्टडी करेंगे यहाँ पर अगले वीडियो में।